पीएसएल स्टार्ट होने के बाद चार ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आए हैं, चार ऐसे पाकिस्तानी बैट्समैन आए हैं जो पीएसएल में, तो यूँ समझें कि पीएसएल के बैन स्टोक्स थे, वो पीएसएल के ग्लेन मैक्सवेल थे, वो पीएसएल के डेविड मिलर थे, मगर वो जब भी पाकिस्तान के लिए खेले तो बुरी तरीके से नाकाम हुए। वैसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में बड़े कामयाब थे मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कामयाब नहीं हो सके, मगर जिन चार प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये स्पेसिफिकली फिनिशिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी पीएसएल में वो बहुत अच्छा फिनिश करते थे मगर जब भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेले तो वो फिनिश नहीं कर पाए। इनमें जो पहला नाम है वो आसिफ अली का है। PSL 1 और PSL 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाने में आसिफ अली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। सुपर ओवर्स में उन्होंने मैचेस जितवाए, बड़े जबरदस्त फिनिश किए और 160 प्लस का स्ट्राइक रेट उनका पीएसएल हिस्ट्री में है और शायद दूसरी या तीसरे नंबर पे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है किसी भी बैट्समैन का। और इसके अलावा भी पीएसएल में बहुत सारे मैचेस उन्होंने बड़ी मुश्किल सिचुएशन से सिंगल हैंडेडली भी जितवाए हुए हैं, आप सब जानते हैं। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने पाकिस्तान के लिए 58 मैचेस खेले। अब ये जो 58 मैचेस हैं, अब होता ही है कि कोई भी अगर एक फिनिशर है तो उसको चार पांच मैचेस की एवरेज, मतलब हर चार पांच मैचेस में से कोई एक मैच जितवाना होता है। जितवाना इस तरीके से नहीं कि कोई 60-70 रन की इनिंग्स खेलनी होती है, मतलब अगर वो 25-30-35 रन की भी बड़ी हैंडी इनिंग्स खेल जाए मुश्किल सिचुएशन में तो उसको भी जितवाना बोलते हैं T20 क्रिकेट में। तो इस तरह की एक इनिंग हर चार पांच मैचेस में बड़े प्लेयर्स की आती है, तो अगर उनके 58 मैचेस हैं तो उस लिहाज से इनकी ऐसी 11-12 इनिंग्स आनी चाहिए। मगर हुआ क्या है कि उन्होंने टोटल अब तक तीन ऐसी इनिंग्स खेली है जिसको कुछ हद तक हम मैच विनिंग इनिंग्स बोल सकते हैं। इन तीन इनिंग्स में वो जो वर्ल्ड कप की दो इनिंग्स थी, एक अफगानिस्तान के खिलाफ और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, T20 वर्ल्ड कप 2021 की दो इनिंग्स वो हैं, और एक इनिंग उन्होंने एशिया कप 2022 में खेली थी जिसमें एक ओवर में उन्होंने 16 रन को करके पाकिस्तान को एक अच्छा फिनिशिंग एंड दिया था। हालांकि वो आउट हो गए थे आखिरी ओवर में, बट स्टिल उस 16 रन की ओवर की वजह से पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब हुआ था। तो कुल मिला के ये तीन कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने की है 58 मैचेस में, जो कि ये जाहिर करता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। इन 58 मैचेस में 12-13-14 इनिंग इस तरह की कम अज कम उनकी होनी चाहिए थी ताकि वो एक मुनासिब फिनिशर कंसीडर होते। अब उसके बाद जो दूसरा नाम इसमें है वो इमाद वसीम है। इस दफा ये जो पीएसएल 2024 हुई इसमें उन्होंने पिशावर जलमी के खिलाफ जो मैच जितवाया बहुत ही शानदार मैच था। पिछले सीजन में भी उन्होंने जब वो कैप्टन थे कराची किंग्स के तो उन्होंने तीन चार बड़ी लाजवाब इनिंग्स खेली थी नीचे आके, और उसमें कुछ दफा वो फिनिश करने में कामयाब हुए, कुछ दफा वो साथ वाले प्लेयर्स की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, बट उन्होंने प्रेशर में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। जब पीएसएल जीती थी कराची किंग्स उसके भी एक मैच में जो उनका एलिमिनेटर था उसमें मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने बड़ा जबरदस्त फिनिश किया था। जब आखिरी गेंद पे 4 रन रह गए थे और उन्होंने सुहेल तनवीर को फाइन लेग पे बाउंड्री लगाई थी, वो भी बड़ी लाजवाब इनिंग्स थी जिससे वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए थे। तो इमाद वसीम कराची किंग्स की तरफ से, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बड़ी अच्छी हैंडी इनिंग्स खेलते रहे हैं, बड़े अच्छे मैचेस फिनिश करते रहे हैं और उनको देख के लगता था कि हाँ ये हमारा फिनिशिंग का सोल्यूशन हो सकता है। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक पूरे करियर में इमाद वसीम की एक वो जो 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग्स थी उसके अलावा कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं है जिसमें उन्होंने बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आके मैच फिनिश कर दिया और 30-35 रन किए हों बट मैच जितवा दिया हो। अभी इंडिया के खिलाफ जो अभी T20 वर्ल्ड कप था इसमें उन्हें चांस मिला कि वो फिनिशिंग कर पाते बट उनसे फिनिशिंग नहीं हो सकी और वो फिनिशिंग में बुरे तरीके से नाकाम हुए। तो इमाद वसीम भी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं इंटरनेशनल। फिर जो इसमें तीसरा नाम है वो इफ्तखार अहमद है। इफ्तखार अहमद ने पिछला सीजन जो पीएसएल का खेला है, अभी ये वाला सीजन 2024 वाला, इसमें क्या लाजवाब उन्होंने मैच फिनिश किए। मुल्तान सुल्तान के लिए ऐसी वो अनबिलीवेबल किस्म की इनिंग्स खेलते थे कि हम सोचते थे कि यार ये बंदा तो इस वक्त दुनिया का बेस्ट फिनिशर है, और बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इस वक्त जो इफ्तखार है वो मैक्सवेल से भी बेहतर है, वो डेविड मिलर से भी बेहतर है, वो हार्दिक पांड्या से भी बेहतर है, पता नहीं कितना हमने उसको आसमान पर चढ़ाया। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में इफ्तखार की क्या परफॉर्मेंस है, पिछले 3 साल से वो खेल रहा है। कुल मिला के एक जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया के खिलाफ उसने कुछ एक बेहतर इनिंग्स खेली थी और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके अलावा आज तक मुझे नहीं याद कि कोई इनिंग्स के इफ्तिखार ने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग्स खेली हो, मुश्किल सिचुएशन में आकर मैच जितवा दिया हो। वीक टीमों के खिलाफ एक दो दफा खेला है बट ओवरऑल कोई भी बड़ा मैच पाकिस्तान को किसी बड़ी टीम के खिलाफ वो जितवा नहीं सका। वो जो दो मैचेस मैंने जिक्र किया है उसमें भी वो जितवा नहीं सका था और उसमें भी पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, उस तरीके से वो जो फिनिशिंग का प्रेशर होता है वो भी नहीं था।
तो इफ्तखार अहमद जो है वो PSL के एक कामयाब सीजन इस दफा भी रहा है। पहले भी एक दो तो सीजन उन्होंने कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, कराची किंग्स की तरफ से अच्छे फिनिश करते रहे हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे वो कभी भी डिलीवर नहीं कर पाए। एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन, एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वो साबित हुए हैं। जो इसमें चौथा और आखिरी नाम मेरे जहन में है वो आजम खान का है। देखिए, स्टार्ट उन्होंने किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलना, और तब उन्होंने पहले ही सीजन में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दो बड़ी लाजवाब इनिंग्स खेल दी थी अंडर प्रेशर। फिर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जब वो आए तो पिछले सीजन में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, और इस सीजन में जो उन्होंने पेशावर जलमी के खिलाफ इनिंग्स खेली, ये लाजवाब इनिंग्स हैं। IL T20 में उन्होंने 2-3 मैचेस बड़े अच्छे फिनिश किए हैं। तो फिनिशिंग वो कर रहे हैं, वो लीग क्रिकेट में, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, PSL हो, IL T20 हो, कैरेबियन लीग हो। कैरेबियन लीग में बड़ा नाम कमाया था उन्होंने, 2-3 सीजन में हर दफा उन्होंने बड़े अच्छे मैचेस फिनिश किए। बट पाकिस्तान के लिए आजम खान ने अब तक मैच फिनिश करना तो दूर की बात है, कोई प्रॉपर इनिंग्स ही नहीं खेली, और ऐसा लगा जैसे उनकी बॉडी जाम हो गई है, उनकी बॉडी चल नहीं रही, उनके हाथ नहीं मूव कर रहे, उनके पैर नहीं चल रहे, और समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या। तो ये एक गैप है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास फिनिशर्स नहीं है, हम मेरिट पे टीम सिलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे चार बेस्ट फिनिशर रहे हैं पिछले 7-8 साल में, उन चारों को हमने एम्पल चांसेस दिए, बहुत ज्यादा मौके दिए, बट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं डिलीवर कर पाए। तो अब इसमें हम सिलेक्शन कमेटी को या कैप्टन को या मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं दे सकते, बल्कि ये प्लेयर्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने तो जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल थे उन्हें ट्राई किया है, अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो इसमें कोई मैनेजमेंट का कसूर तो नहीं है। ये उन्हें देखना है कि वो इस लेवल पे आके परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, इस लेवल पे आके वो इतने कंफ्यूज्ड, इतनी उनकी हवाइयां उड़ी हुई और इतने वो अनफोकस्ड क्यों नजर आते हैं।